वेलकम बैक टू ई लर्नम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में। गेट लाइफ साइंसेज के केमिस्ट्री सेक्शन को, जो कि लोगों को काफी टफ लगता है, उसे इंटरेस्टिंग और आसान बनाने के लिए मैं फिर से एक बार आपके साथ जुड़ूंगा। इस बार मैं लेके आ रहा हूँ एक रेगुलर क्रैश कोर्स के साथ एक ब्रिज कोर्स उन लर्नर्स के लिए जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल टफ लगता है या फिर आता ही नहीं है। ठीक है, उन्हें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और फिर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ढेर सारे हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में। ठीक है, तो मोर ऑन दिस लेटर, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ईलर्नम। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम प्रीवियस वीडियो किए थे। ठीक है, सो वी आर गोइंग थ्रू कॉन्सेप्ट थ्रू PY। ठीक है, दिस इज पार्ट टू और हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन नेफ्थलीन द वैल्यू ऑफ इंटीजर n अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इज। तो ये टॉपिक कौन सा है? इसलिए हकल्स रूल आप सिंपली लिख सकते हो। एरोमेटिसिटी पे डिटेल्ड अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एरोमेटिसिटी के लिए कौन कौन से, पहली बात जो आपका कंपाउंड को ठीक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए, और इन सब चीजों के बाद आता है हक के बाद आता है रूल है 4n प्लस पाई होने 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी आप कहोगे कि ये जो कंपाउंड है हमारा सारे क्राइटेरिया फुल। ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलावा। ठीक है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहली बात, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या? फुल पता है, ये होता है बेंजीन। आपसे अगर कोई पूछ दे कि नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करना है, अगल बगल दो बेंजीन बनाना, पहले एक बेंजीन को तो पूरा बना। अब क्या है, इधर तो डबल बॉन्ड आप डाल नहीं सकते, राइट, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है और कार्बन के चार बॉन्ड्स हो नहीं सकते। यहाँ पे आप नहीं डाल, अगला आप यहाँ पे डालोगे तो देखोगे कि आप देखिए लोकलाइजेशन हो रहा है ना, हो रहा है यहाँ पे, फिर एक छोटा, दिस इज ऑफ। अच्छा, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे गिनना है पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो डायरेक्टली काउंट करो। डायरेक्टली आप कैसे काउंट करोगे, आप बोलोगे कि 1 2 3 4 6 7 8 यहाँ पे 10, या फिर आप इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, पहले तो आप गिन लो कि कितने सारे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, और हर पाई बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 टू दैट। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आपको मिल गए हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि हकल रूल फुलफिल करने के लिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्या हम दोनों 4n प्लस 2 is equal to, obviously pi electrons हैं ये, 4n plus 2 equal to 10 अगर है तो 4n is equal to 8 हो जाएगा, तो मैंने minus, n will be equal to 8 by 4 that is, तो यानी simply n का value 2 आ गया, I guess, okay, बस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो है ये इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्वेश्चन को आप कहीं ना कहीं देखिए, तो क्वेश्चन पूछता है कि अमोंग द फॉलोइंग द वन हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड बॉन्ड एंगल
मैं अपन नॉर्मली लॉजिक कुछ कुछ क्वेश्चन वो क्योंकि इनऑर्गेनिक तो इसमें तो ये एक्सेप्शन या फिर स्पेशल केस मैं कहता हूँ, ठीक है। तो स्पेशल केस स्पेशल कॉन्सेप्ट और स्पेशल कॉन्सेप्ट कितना लगेगा तो यहाँ पे लगता है ड्रैगोज रूल। हम पहले तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू H3 का जो है वो होता है 93, F3 का होता है, समझने में आसानी हो तो आपको दी 102 पॉइंट दिस विल बी। अब क्या पता चल रहा है सीधा एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली आपने अगर किया तो आप सीधा बोलोगे कि अच्छा ये ऑर्डर हो जाए, फिर आएगा PF3 लास्ट में आ जाए, लीस्ट सीधा सीधी आंसर आ गया PF3। अब आपको जब आप चीटिंग करके कर रहे हो तब आप कर रहे हो, लेकिन वैल्यू अगर नहीं दिए हुए तो आप कैसे करोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट रूल बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए समझते हैं ड्रैगोज रूल क्या बोलता है। अगर सेंट्रल एटम जो है, इफ सेंट्रल इज इन थर्ड रो और बिलो, थर्ड रो और बिलो मतलब क्या, बेसिकली ये कहना चाह रहा है पीरियोडिक टेबल में आपको पता इस तरीके से होता है, ये सेकंड पीरियड में आता है ना, सेकंड पीरियड में आता है, उसके बाद आता है थर्ड, थर्ड पीरियड में कौन आता है, थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड लोगों के लिए लागू हो रहा है, ठीक है। थर्ड रो और बिलो अगर ये प्रेजेंट नाइट्रोजन पे ये लागू नहीं हो रहा, ठीक है। अगर फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो इसके इसके मतलब थर्ड रो या नीचे अगर कुछ है लोन पेयर होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्योंकि ऑब्वियसली लोन पेयर होता ही है, पे लोन पेयर होता इसमें जो लोन पेयर होगा इट विल ऑक्यूपाई ऑक्यूपाइज एस एंड प्योर ऑर्बिटल, जो लोन पेयर है वो एक एस ऑर्बिटल में रह जाएगा रहेगा, और जो प्योर पी ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का रोल नहीं रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर होता तब तो आपको पता है ना नॉर्मली क्या बॉन्ड एंगल होता, टेट्राहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट होता है, हाँ VSEPR थ्योरी की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बट वैल्यू जो है आसपास ही रहता, इतना तो नहीं होता ना। कि आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 93 है, आपका टेट्रा तो का जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 28 मिनट्स, तो ये हो ही नहीं सकता है, राइट। तो इतना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑर्बिटल्स में लोन पेयर रह जा रहा है और प्योर पी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है। इसकी वजह से एक और बात है फिर, तो बॉन्ड एंगल लोगों में स्पेशली जो थर्ड रो और बिलो में है इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के पास हो जाएगा अगर में भी कंडीशन है, ये तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा कब, इफ साउंडिंग एटम, साउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इक्वल टू 2, कम होना चाहिए 2.5 से या फिर बराबर होना। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स 2.1 तो इस पे लागू होगा, लेकिन वही अगर हम फ्लोरीन देख लें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, 4 होता है, इस पे लागू नहीं, ठीक है। इसलिए वाले में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना, नाइट्रोजन के साथ तो कोई ज्यादा फर्क, ठीक है। तो ये है कारण, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी में जो आप पढ़ते हो बेसिकली कि
लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपोर्ट, लोन पेयर लोन, यहाँ पे इन सब उसको छोड़ के भी इस एगोज रूल को आप देगा अगर पीएच थ्री का कर... तो बेसिकली अगर हम देखें नाइट्रोजन के ग्रुप में अगर हम देखते हैं और इसके अगर हाइड्राइड्स को बना दे हम सिर्फ, तो इसमें क्या हो जाता है अगर आप सिर्फ को कंसिडर करें अमोनिया को, उसमें हो जाएगा 106 के वैल्यू होता है, इसलिए रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पे, ये 107। इस तरीके के केस में क्या बोला मैंने, ड्रैगोज रूल लगा क्योंकि थर्ड रो में है लोन पेयर जो है वो एस ऑर्बिटल में है, प्योर पी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको प्योर पी ऑर्बिटल्स तो इसी तरीके से ना दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर 30 डिग्री बनाते हैं प्योर पी ऑर्बिटल्स के आसपास, तब जब सराउंडिंग एटम 0.5 से कम या उस इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आएगा क्लोरीन रहेगा। इस तरीके से अगर ASS3 की बात करें देखिए 90 डिग्री के पास हो रहा है वैल्यू यहाँ पे, यही यही एगोज रूल, अगर थर्ड रो या उसके नीचे होंगे एलिमेंट्स तो हाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए PF3 पे नहीं, PF3 वाला मैंने बता दिया कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन है 290 डिग्री यानी बहुत कम, तो लीस्ट वैल्यू किसका होगा पता चला हमने एक्सपेरिमेंटली को तो सीधा आंसर लगा, फिर हमने दिस इज हाउ H3 इज द, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में थोड़ा पसंदीदा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ना आपको बायोकेमिस्ट्री में भी मिल सकता है एग्जैक्ट सेम तरीके, अगर आपसे पूछ रहा है कॉन्जुगेट बेस एसिड इक्विलिब्रियम ये कि दिस इज एंडरसन बैच एंडरसन के बफर के ये, चलिए तो आप ट्राई कीजिए, मैं तो हो सकता है आप क्या तो मेरी नहीं बना, तो आप बोलोगे क्या मैं बोलूंगा कि अगर आपसे कोई के पूछे तो याद ना रहे तो इसको हम तभी के तभी डिराइव करेंगे। अभी मैं लिख रहा हूं कि देखिए ये एक ये एसिड जो है बेसिकली ये क्रिएट कर रहा है एस्पिरिन जो है ये डिसोशिएट कर रहा है किसमें प्लस प्लस ए, इसको हम कहते हैं एंड दिस इज योर कॉन्जुगेट इस कॉन्जुगेट बेस है ये कॉन्जुगेट। अब आपको अगर मैं बोलूं कि चलिए यहाँ पे मुझे ये ऑब्वियसली वाटर के प्रेजेंस, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो चलिए यहाँ पे वाटर भी रहेगा वैसे ए माइनस आपके पास क्या? अब आप क्या करोगे यहाँ पे आप H2O को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है वाटर का कंसेंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा क्योंकि ज्यादा ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट का डिसोसिएशन है प्लस माइनस। चलिए अब मैं बोलता हूँ कि आप एक काम यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ऑफ ए ए टू नेगेटिव लॉग इन दोनों को आप सब दिस इज नेगेटिव लॉग प्लस
माइनस, क्योंकि आपको पता है लॉग ए बी एग्जैक्टली नेगेटिव लॉग है, तो दिस इज ए। अच्छा अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग क्या गया, तब नेगेटिव लॉग ऑफ के इज पी के, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन इज एच, बस इसको आप लिख दीजिए पी, इसको आप लिख दीजिए एच, तो आ रहा है आपके पास फाइनली दिस बिकम्स के इक्वल टू एच माइनस ए माइनस। अच्छा थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर लें एच के टर्म्स, तो एच एच इज इक्वल टू इधर लेके एच इज इक्वल प्लस ये हो गया आपका हैंडरसन। क्यों बोल रहा हूं आपको डिराइव करने के लिए, क्योंकि तरीके से आए ला भूल गए पर नीचे अगर आप लिख दिए तो एकदम उल्टा है तो बट वही ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिराइव कर लेना अगर आप याद रखना योर डिसीजन। चलिए अब क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन पे तो आ जाए। चलिए क्वेश्चन क्या बता रहा है, एच आपको दे दिया गया यहाँ पे है। रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है बस ए वाला रेशियो, बाकी चीजों का वैल्यू आप पुट कर, ए भी दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है ए इज कितना 3.2 ठीक है, क्या होता है आपको पता है दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ ए, ए नेगेटिव लॉग ऑफ के नेगेटिव लॉग निकल 14 का ठीक है, और इसका वैल्यू 3 ये मिल गया आपको 3.4 ए का वैल्यू। एच जो है आपको दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है 7, तो आपसे पूछा क्या है रेशियो पूछा है ए माइनस वाई, ये पूछा है ना सिंपल है। अब आप एंडरसन हेसलबैच इक्वेशन में कीजिए, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, ए कितना दिया हुआ है 3.4 तो दिया हुआ है इधर लॉग ए माइनस, क्या करोगे 0.4 को इधर माइनस कर दो तो आपको मिल रहा है कि लॉग 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 ए माइनस कितना 4 ठीक है, तो इधर आप क्या करोगे सिंपली इसका एंटी लॉग निकालोगे, एंटी लॉग निकालने के लिए आप सिंपली कैलकुलेटर में से चढ़ा दो, देयरफॉर इज 10,000 ठीक है, तो 10,000 इज योर आंसर, आपको इसका आ दिया ठीक है, तो दिस इज योर आंसर इज 10,000 ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक इज फ्रॉम एलिमिनेशन लेयर, एलिमिनेशन लेयर देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे दिया है, सबसे क्या है ये OH दिख रहा है, मतलब ये क्या है अल्कोहल में यूज कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ठीक है, भी किया जा रहा है तो इसे कहते हैं ऑफ हाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में वाटर निकल पर क्या बनता है बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, और यही एलिमिनेशन रिएक्शन क्योंकि वाटर जो है, अब एलिमिनेशन में होता है E1 E2 ये आपको पूरा ठीक है, दिस इज वन रिएक्शन, वन रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। अब इसमें हम थोड़ा चलिए तो मैंने यहां पे बना दिया स्ट्रक्चर अरेंज किया बेसिकली लिखा है यहां है ना ये एक मिथाइल ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन को भी ठीक है इस तरीके से ये प्रेजेंट ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसको उठा लेगा
इस प्रोटॉन को उठाने के बाद जो नेट हो गया था ये हो गया पी। हाँ तो ये जो प्रोटॉन उठा लेता है उसके बाद क्या है कि अब एच यहाँ पे सर ये बन गया इसलिए क्योंकि के बाद क्या है अब क्या है के बाद होता है पन यहाँ पे ये जो वाटर है तो होता है ये स्टेबल तो जब निकल जाएगा ये बॉन्ड टूटेगा निकल जाएगा यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एच हो गया आप ठीक है। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या हुआ एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ ठीक है जो कि वन रिएक्शन में होता है ठीक है दिस इज योर कार्बोकैटायन। ठीक है चलिए अब क्या होता है के बाद एक और वाटर रहेगा और वाटर आएगा ये वाटर जो है वाले वाले उनको जाने का कोशिश और ये जो है ये बॉन्ड ये H3O+ बन और ये जो बॉन्ड है रहेगा ठीक है बॉन्ड ये दो तरीके से हो सकता है। देखिए ये बॉन्ड अगर यहाँ पे दो तरीके से ऐसा चलिए यहाँ पे एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा एक माइनर। अब ये डबल बॉन्ड जब गिर रहा है तो हो सकता है कि दोनों के बीच में सिस इंटीग्रेशन हो या फिर इसमें सिस ट्रांस तो यहाँ सेट के टर्म में कहेंगे तो भी अगर हम यहाँ पे देखें के पास वंस प्रोडक्ट मिल सकता है आई लेदर हो पहला प्रोडक्ट दूसरा तो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट योर ट्रांस या यही अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहे दिस विल बी प्रोडक्ट एंड दिस तो ये दो प्रोडक्ट्स बन सकते इसमें यहाँ पे ना इसोमराइजेशन हुआ ना यहाँ पे अब पढ़ते हैं तो बस मैं बता दूं कि जो एल्कीन है यहाँ ध्यान से देखिएगा एल्कीन है एक हिंडरेंस ये क्या है बल्कि बल्कि ग्रुप्स है आएगा इधर क्या है ये दोनों दूर दूर है दूसरे से मतलब नहीं तो इसलिए दिस इज मोर तो ये जो इवन एलिमिनेशन है दिस इज सिलेक्टिव सिलेक्टिवली उसने एक ही प्रोडक्ट ज्यादा बनाया कारण आपको स्टेरिक हिंडरेंस ये दिस इज स्टेरिक हिंडरेंस को अवॉइड किया और ऑब्वियसली ये जो आइसोमराइजेशन हुआ आइसोमराइजेशन जो हुआ वो थ्रू कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन जब बीच में बना उसी के बेसिस पे तो बॉन्ड गिरा और उसके थ्रू ड्रिवन हुआ ना ये तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ही ड्राइव किया इस चीज को कि आइसोमराइजेशन का और बनाना है स्पेसिफिकली एक को ज्यादा बना वन एलिमिनेशन इज यो This is the basic concept. अब statements दिए गए हमेशा statement based questions में अगर एक से ज्यादा question पूछे जाइए MSQ है basically तो multiple select अगर आपसे किया जाए तो बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है आपको बस concept सही से पता होना चाहिए अगर concept आप सही से जानते हो तो आप mark कर लोगे options को क्या ये E2 reaction है नहीं यार हो ही नहीं सकता E1 है क्या इसमें isomerization हो रहा है बिल्कुल हो रहा है आप इसको करें SN1 हो रहा है क्या रे खाली नहीं है यहाँ पे निकल रहा है थोड़ी हो रहा है एलिमिनेशन हो रहा है दिस इज रॉन्ग आइसोमराइजेशन थ्रू कार्बोकैटायन मैंने तो आपको बताया दिस इज ऑल्सो इसलिए मैं ये दोनों ऑप्शन एमएसक्यू टफ नहीं होते कॉन्सेप्ट रख ठीक है चलिए ये है हमारे आखिरी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे दिस इज मॉलिक्यूलर देखिए यहाँ पे
अलग अलग आपको स्पीशीज दे दिए, लेते कौन इनटू प्लस, ठीक है। अब इधर आपको ऑक्सीजन वाले लिख लेते हैं, टू प्लस माइनस टू माइनस, ठीक है, आपके अलग अलग को दे दिए गए। अब बोला है कि बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज मतलब क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए। अब हम देखते हैं, एक तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, आपने देखे हैं वीडियोस कि किस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर पता करें, बट यहां पे हमें बॉन्ड ऑर्डर पता नहीं करना, हमें यहां स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अरेंजमेंट किस तरीके से होता है याद रखिएगा। अगर हम अप टू एन बात कर रहे हैं, एन या फिर उससे पहले के कोई भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन तक ऐसा, और अगर हम आफ्टर आफ्टर ओ की बात करें, यानी ओ एंड आफ्टर ओ एंड आफ्टर, और ये नाइट्रोजन एंड अप टू नाइट्रोजन, ये वाला अरेंजमेंट होता है, और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन या उसके बाद में, ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट का मतलब क्या है मैं बता, बेसिकली अगर इस तरीके से आपके पास अरेंज, आप कुछ यहाँ पे गोला गोला बना लेना बस, इसके नीचे आपको पता है ये है अरेंजमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए, और ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद के लिए कौन सा वाला अरेंजमेंट होगा, इस तरीके से, ये मैं बेसिकली बना रहा हूं कि आप जल्दी जल्दी को फिल करके देख लो, ठीक है। चलिए अब हम पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होना चाहिए तभी ना आप फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन फटाफट। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपको पता है कि प्लस सेवन इलेक्ट्रॉन, अब क्या करना है, एक प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया यानी 13, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया यानी 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन में 8 होता है, 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया यानी 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ऐड किया गया यानी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया गया यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स। सबको फिल कीजिए और देखिए कि कौन और क्या है, पी और डी लिया। अच्छा अब आप फिल कीजिए यहां तक नाइट्रोजन वाले स्पीशीज यहां पे फिल कर। तो सबसे पहले तो एक दो तीन चार, ये आपस में एक दो तीन चार, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां हो गए, यहां पे भी ऑक्सीजन के केस में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स की तो बात नहीं, 8 के ऊपर कितने हैं उसके लिए बात कर, फिलिंग कर। चलिए अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या करेंगे नाइट्रोजन के केस में, एन टू को देख रहे हैं, एक दो इस तरीके से हमने फिर इन चार मैंने फिल कर दिया, टोटल 12 हो गए और दो बचे हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्या आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो दिस इज अरे पेयर्ड है यानी डायमैग्नेटिक है। अच्छा अब हम देखते हैं 13 इलेक्ट्रॉन में क्या होता, 13 इलेक्ट्रॉन में आप देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, आपको हटा देना होता, तो जैसे ही आपने हटा बन गया, हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं अगर 16 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, तो इसको तो रहने दीजिए आप 14 तक रहने दीजिए, उसके बाद 15 और 16, अरे यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, दिस इज आल्सो बहुत ही सिंपल है, राइट, नाइट्रोजन वाले स्पीशीज खत्म हो गए। चलिए ऑक्सीजन के लिए आते हैं, ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी हमने भर दिया है, ठीक है, इसके बाद हम भरेंगे यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन खुद पैरामैग्नेटिक होता है। अच्छा अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए, मतलब एक आपने हटा दिया फिर भी एक बचेगा ना, एक तो बच ही रहा है, इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। अच्छा अगर एक और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, मतलब इधर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया फिर भी एक बचेगा, तो दिस इज आल्सो मैग्नेटिक। क्या ओ टू टू माइनस भी होगा, आप इधर भी आप भर दोगे तो सारे जो है पेयर्ड आपको एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, तो दिस इज, यानी इनमें से कितने सारे स्पीशीज आपको मिले जिसमें पैरामैग्नेटिक होता है, एक दो तीन पांच, सबसे न्यूमेरिकल नेट टाइप नहीं है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है उसमें आपको नंबर बेस्ड पूछ दिया, ठीक है।
कौन कौन से हैं इसमें से पैरामैग्नेटिक स्पीशीज? एन टू नहीं है, एन टू प्लस है, ओ टू माइनस है, ओ टू है प्लस है, ओ टू माइनस है, ये दोनों नहीं है। टोटल स्पीशीज 5 है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, आई होप आपको मजा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम कोर्स में क्यूज भी बहुत सारे देर, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आएगा, थैंक यू।